Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10 and we are continuing our chapter number 12, electricity. Now in this video we will start with the combination of resistors in series. इससे पहले हम लोग ये जान चुके थे कि रेजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल दो तरीके से सर्किट के अंदर कनेक्ट कराया जा सकता है और लास्ट हमने ये बात किया था कि किस तरीके से रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा जब कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया जाए या कुछ रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रजिस्टर्स इन सीरीज। व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट कराया जाता है द अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सीरीज। दो रजिस्टेंसेज हैं, रजिस्टेंसेज के सिंबल को हमने जाना था क्या होता है, ये रजिस्टेंस का सिंबल है और दो रजिस्टेंसेज को एंड टू एंड कनेक्ट कराया जाए, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को कराया जाए। मान लेते हैं कि ये अपने आप में रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2 और R3। R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस हैं जिनको एक सर्किट के अंदर कनेक्ट कराया गया है। यहाँ पर लगाया गया है अमीटर, यहाँ पर कनेक्ट किया गया है अमीटर को माइनस प्लस। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ एक बैटरी लगी हुई आपको मिलेगी, इस तरीके से ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, फिर एक की मिलेगी आपको, की के बाद आप देखेंगे इसको सर्किट को जब मिला देंगे और एक वोल्ट मीटर इधर लगाया गया होगा, इस तरीके से वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कराया गया होगा, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट कराया गया है। तो ये तरीके से ये हो गया आपका की, ये है आपका बैटरी, ये है एक R1, R2, R3 रेजिस्टेंसेस और अब जो करंट है फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये आई यहाँ पर भी होगा, इसके बाद आई यहाँ पर भी होगा, आई ही मिलेगा सबके अंदर, यहाँ पर अब मिलेगा सबको आई ही मिलेगा सभी में। मान लेते हैं कि आई ही है, लास्ट में जाकर फिर हमें आई ही वापस आकर भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम टोटल या रिजल्टेंट या ओवरऑल या इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम पता लगाते हैं इन सर्किट, तो कितना टोटल रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से और भी लगे हुए होंगे तो उनको भी इस तरीके से करेक्ट करा के ऐड करा देंगे तो वहाँ से टोटल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। R जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इन तीनों के बराबर का एक रेजिस्टेंस अगर लगा देंगे हम तो पूरे तीनों के बराबर का इसमें काम करेगा। अब कुछ बातें यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आती हैं इस सर्किट के अंदर। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक पूरे में कि जो करंट है वो अपने आप में सेम है, यानी आई ही है, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, करंट यहाँ पर हर एक रजिस्टर में सेम ही है, R1 में भी आई है, R2 में भी आई है और R3 में भी आई है। लेकिन अगर यहाँ पर वोल्टेज को अगर हम मेजर करेंगे, वोल्टेज तो R1 के अंदर बात करेंगे
पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहेंगे इन आर वन इज इक्वल टू वी वन, इन आर टू इट इज इक्वल टू वी टू, और इन आर थ्री इज इक्वल टू वी थ्री। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं और इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पर्टिकुलर रेजिस्टेंसेस या इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इसके अंदर जुड़े हुए है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस रेजिस्टेंस इसके अंदर जुड़े हुए आर वन आर टू आर थ्री, तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा आर वन आर टू और आर थ्री से बड़ा ही होगा। यहां से टोटल वोल्टेज की बात करते हैं, टोटल वोल्टेज कितने होंगे, टोटल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी सम ऑफ वोल्टेज ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। पूरा जो वोल्टेज होगा वो तीनों वोल्टेज के बराबर का होगा जो R1 R2 R3 रेजिस्टेंस पर पाए जा रहे हैं। वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर अगर हम पता कर लें, यहां पर इस तरफ देखते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर अगर हम पता करें तो V1 पहले वाले के अंदर कितना होगा वोल्टेज, आई आर वन पहली इक्वेशन मान लेते हैं, V2 दूसरे वाले के अंदर वोल्टेज होंगे V2, इनको मान लेते हैं आई आर टू नंबर इक्वेशन दो, और तीसरे वाले के अंदर वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग V3, और ये हो जाएगा आई आर थ्री फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर, वहाँ पे फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था V इज इक्वल टू आई आर, और वहीं पर इस पर लगाया जा रहा है। इस तरीके से हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन मिल जाएंगे, तीन वोल्टेज मिल जाएंगे, और हमने यहाँ पर पढ़ा है कि टोटल वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज अगर हम पता करें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से टोटल वोल्टेज पता करें, और रिजल्टेंट वोल्टेज को अगर हम लिख दें, रिजल्टेंट वोल्टेज को अगर हम लिख देते हैं आई आर, यहाँ पर आई आर जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आई आर वन, यहाँ आ जाएगा आई आर टू प्लस यहाँ आ जाएगा आई आर थ्री, तीनों सब जगह देखे आई कॉमन है, तो आई आर आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई कॉमन लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, फिर हमें मिल जाएगा आई से आई कैंसिल, आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, वही फॉर्मूला मिल जाएगा जिस फॉर्मूले के बारे में अभी आपको बताया गया था कि सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सभी रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल पाया जाता है। अब अगर हम देखें पैरेलल में किस तरीके से होगा, पैरेलल की बात करते हैं एक बार, पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल के लिए सर्किट बदलते हैं पहले हम, अब तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में पहले कनेक्ट करता हूं, एक दूसरा करते हैं दो, और तीसरा भी कर देते हैं तीन, ये हो गया आपका आर वन, ये हो गया आर टू, और ये हो गया आर थ्री, इनके साथ में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको सर्किट को पूरा कंप्लीट करते हैं, इस तरीके से सर्किट को यहाँ कंप्लीट करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, ये हो गया आपका बैटरी प्लस माइनस, देन की इज इंसर्टेड, की है ये की, एंड देन अमीटर, अमीटर लगाया गया है यहाँ पर, अमीटर है ये नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरीके से हमेशा कनेक्ट किए जाते हैं ये। अब फिर इसमें अगर देखें यहाँ से करंट आई चलता है,
यहाँ पर भी आई होगा लेकिन फिर यहाँ पर जाके पट जाएगा, इसमें आ जाएगा आई वन, फिर फाइव दूसरे वाले में आ जाएगा आई टू और तीसरे रेजिस्टेंस के अंदर आ जाएगा आई थ्री। जब यहाँ से गुजरेगा तो फिर कंबाइंड हो जाएगा, यहाँ मिलकर हम यहाँ हमें फिर मिलेगा आई, यानी रेजिस्टेंसेस में जाकर बट जाता है, उसके बाद लास्ट में फिर हो जाता है एक दूसरे के साथ कंबाइंड। तो यहाँ पर अगर हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करें कितना होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो होता है आपका 1/R, वेयर R इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से कितने भी रेजिस्टर्स एक दूसरे में के साथ कनेक्ट कर दिए जाएं, लगातार आप इस तरीके से ही लिखते चले जाएंगे। अब इस फॉर्मूले को भी कैसे प्रूव किया जाता है वो देखते हैं, उससे पहले जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बातें याद रखने की हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, इन दिस केस वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन सेम, वोल्टेज सेम रहता है हमेशा, करंट की बात करते हैं या ऐसा लिखे हैं टोटल करंट इज इक्वल टू सम ऑफ करंट्स थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर्स। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें इसमें तो यहां से फाइंड करें कि करंट क्या क्या होगा हर एक रजिस्टर में, करंट इन ईच रजिस्टर इज, देखें क्या होगा, पहले में करंट है आई वन और फॉर्मूला हमने पढ़ा वी इज इक्वल टू आई आर, और वी इज इक्वल टू आई आर से अगर हम आई निकालते हैं तो आ जाता है वी अपॉन आर, तो यहां से आ जाएगा वी अपॉन आर वन इक्वेशन नंबर वन, दूसरे में आ जाएगा वी अपॉन आर टू इक्वेशन नंबर टू, तीसरे में आ जाएगा वी अपॉन आर थ्री इक्वेशन नंबर थ्री। अब टोटल करंट हमने जाना कि क्या होता है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, आई की वैल्यू लगा देंगे हम, टोटल क्या होगा वी अपॉन आर के इक्वल, जहां पर आर जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां पर लगा देंगे वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री। यहां से देखो वी कॉमन लेके काट देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा आर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, वही फॉर्मूला जिसके बारे में हमने पहले बात किया था कि सभी के रेसिप्रोकल्स का सम जो है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम पैरेलल में और सीरीज में रिजल्टेंस रेजिस्टेंसेस को पता लगा सकते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस जो है वो सभी रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होता है, यानी हमेशा ज़्यादा होगा, और अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करा देते हैं तो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा अपने आप में कम होता है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में इसके आगे की बात जानेंगे।